दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन के आगे के पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा शॉन बाबा को कॉल करके बुलाता है, पर कॉल को ज़ॉम्बीज उठा लेता है और बाबा की आवाज़ में बात करने लगता है। इधर शॉन और रॉड बाबा, गुल्ली और बुल्ली का इंतज़ार करने लगते हैं, पर तभी शॉन और रॉड के पास अंकल दौड़ते दौड़ते आते हैं और शॉन और रॉड को पूरी बात बताते हैं। शॉन और रॉड अंकल की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। तभी शॉन किसी को कॉल लगाकर कुछ बातें कहता है। वो बात सुनकर अंकल और रॉड बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग ग्रैंडपा और ज़ॉम्बीज का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर में ग्रैंडपा और ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। अंकल ग्रैंडपा को चांटा लगा देता है। ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अंकल को मारने के लिए जाते हैं, पर तभी शॉन ग्रैंडपा को आवाज़ देके रोक लेता है और शॉन उन लोगों को ऊपर की तरफ देखने के लिए कहता है। अंकल और ज़ॉम्बीज जैसे ही ऊपर देखते हैं उन लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ग्रैंडपा और ज़ॉम्बीज देखते हैं कि ऊपर थैनोस खड़ा हुआ है और थैनोस ने ग्रैनी और ज़ॉम्बीज के दोनों साथियों को पकड़ कर रखा है। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, हम लोग बाबा, गुल्ली और बुल्ली को छोड़ने के लिए तैयार है, पर पहले ग्रैनी और ज़ॉम्बीज के दोनों साथियों को नीचे लेके आओ। शॉन ने कहा ठीक है और शॉन थैनोस को इशारा करता है। थैनोस ग्रैनी और दोनों ज़ॉम्बीसों को लेके नीचे आ जाता है। ग्रैंडपा भी बाबा को लेकर उन लोगों के सामने आ जाता है। शॉन कहता है, पहले तुम लोग बाबा, गुल्ली और बुल्ली को हमारे हवाले करो, हम लोगों को तुम पर भरोसा नहीं है। ग्रैंडपा मान जाता है और ग्रैंडपा बाबा को उठाकर शॉन और रॉड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ग्रैंडपा बाबा को उन लोगों के पास रख देता है। ग्रैंडपा ने कहा, अब तुम लोग ग्रैनी और दोनों ज़ॉम्बीज को हमारे हवाले करो। शॉन कहता है, नहीं, तुम लोग पहले गुल्ली और बुल्ली को ठीक करो। तभी ज़ॉम्बीज पीछे से कहता है कि गुल्ली और बुल्ली को ठीक करने के लिए मुझे और मेरे दोनों साथियों को साथ में आना पड़ेगा, तभी गुल्ली और बुल्ली ठीक हो पाएगी। शॉन ज़ॉम्बीज के दोनों साथियों को छोड़ देता है और तीनों ज़ॉम्बीज मिलकर गुल्ली और बुल्ली को ठीक कर देते हैं। फिर शॉन ग्रैनी को भी छोड़ देता है। ग्रैंडपा ग्रैनी को लेकर वापस जा रहे थे, तभी अंकल को अचानक ग्रैंडपा पे गुस्सा आता है और अंकल ग्रैंडपा के पीछे लात मार देता है और ग्रैंडपा नीचे गिर जाता है और अंकल ग्रैंडपा से कहते हैं, चल निकल बुड्ढे, आगे से इधर दिखाई मत देना, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगा। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ग्रैंडपा अंकल को उठा लेते हैं और ग्रैंडपा अंकल को उठाकर शॉन और रॉड के ऊपर फेंक देता है और ग्रैंडपा ज़ॉम्बी से कहते हैं कि अब इन लोगों में से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए, सभी लोगों को इधर ही मार डालो। तो दोस्तों, क्या होगा रॉड अंकल और शॉन का? क्या वो लोग जिंदा बच पाएंगे या ज़ॉम्बी उन लोगों को कच्चा चबा जाएगा? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और ज़ॉम्बी पार्ट 6 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।